अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बोल बेटा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको अपने बचपन की पिस्टल दिखाऊंगा जिसके साथ मैं खेलता होता था बचपन में। मेरे जो बचपन की पिस्टल है वो ये है। वैसे तो ये खुला हुआ है इसका बॉक्स वगैरह क्योंकि ये बहुत पुरानी पिस्टल है, तो अभी हम दोबारा इसकी रीओपनिंग करते हैं। ये पिस्टल जो है इसका नाम है G10 एयर पिस्टल रिपीटर और ये मुझे मेरे चाचू ने गिफ्ट की थी मेरे बचपन में। इसका ये इस तरह बॉक्स है, इसके पीछे चीज़ों के बारे में बताया हुआ है इसकी कि कौन सी बुलेट्स इसके अंदर पड़ती हैं और कौन सी इस कंपनी की गन्स वगैरह। तो चलिए अब हम इसके बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स को खोलते साथ ही आपको आपकी पिस्टल मिलेगी, इसको हम साइड पर रख देते हैं अभी। इसके अलावा आपको ये एक डब्बी मिलेगी जिसके अंदर आप इसके जो बुलेट्स हैं वो डाल सकते हो और ये इसकी स्टील की BP बुलेट्स आ गई। इसके अलावा इसके अंदर ये दो बुकलेट्स आपको मिलेंगी जो इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसकी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल है। G10 रिपीटर एयर पिस्टल में जो है वो ये BP बुलेट्स ये जो गोल्डन कलर की हैं, इनके अलावा ये पैलेट्स भी पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो एयर गन में जो पैलेट डलता है उसके साइज से काफ़ी छोटा है। ये इस एयर पिस्टल का पैलेट है G10 रिपीटर का। तो अब हम अपनी G10 रिपीटर एयर पिस्टल को देखते हैं। यहाँ पे इसका नाम G10 रिपीटर और नीचे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इसका ये बताया हुआ है कि BP कैलिबर जो है वो 4.5 मिलीमीटर की डालनी है और पैलेट्स जो हैं वो 0.177 कैलिबर के डालने हैं। दूसरा अगर हम इस साइड पे इसके देखें तो यहाँ पे जगह का नाम लिखा हुआ है जहाँ पे ये बनी है, हंटिंगटन बीच कैलिफोर्निया USA, मतलब ये कैलिफोर्निया USA में बनी है। इस पिस्टल को जब आपने लोड करना है तो ये इसका लीवर है, लीवर को आप इस तरह करेंगे तो ये खुल जाएगा। इसके बाद आप इसको खींचेंगे, जब ये इस स्टेट में आ जाएगी तो यहाँ से इसका जो ये बैरल है ये खुल सकता है और जब आप इसका ये बैरल खोल लेंगे तो इसके यहाँ पे इसके बैरल पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि इधर नीचे वाली साइड पे पैलेट्स या डार्ट्स पड़ सकते हैं और इसके जो ऊपर वाली साइड है इसमें जो है वो BP वो जो गोल्डन वाली बुलेट्स हैं वो पड़ सकती हैं। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके जो है वो पैलेट्स और डार्ट पड़ सकते हैं और यहाँ पे BP बुलेट्स जो वो थी गोल्डन रंग की वो डाल सकती हैं यहाँ पे। G10 रिपीटर को रिपीटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है आप एट अ टाइम जो है वो काफ़ी सारे जो है BP पैलेट्स हैं गोल्डन रंग की वो आप इसमें डाल सकते हैं एट अ टाइम, जब तक ये इसकी ये जो बैरल है ये पूरा फुल ना हो जाए। और अगर आप एयर गन को देखें तो एयर गन में आप एक दफ़ा एक पैलेट डालते हैं और उसके बाद फिर उसे लोड करते हैं और उसके बाद फिर आप दूसरी जो पैलेट है वो डालते हैं। इसमें आपको जब आप ये BB बुलेट्स यूज़ कर रहे होंगे तो आपको बार बार BB बुलेट डालनी नहीं पड़ेगी एक एक करके, आप एक दफ़ा इसके पूरे इस बैरल को भर देंगे और उसके बाद आप सिर्फ इसको बंद कर देंगे और आप लोड करेंगे लाएंगे। और अगर आपने पैलेट डालना है तो पैलेट जो होगा वो एक टाइम पे एक ही डलेगा और एक टाइम पे आप एक ही चीज़ चला सकते हो, या आप पैलेट चलाओ या फिर आप BP बुलेट्स चलाओ। और डार्ट का भी यही साथ, और डार्ट भी इसमें एक टाइम पे एक ही यहाँ पे डलेगा। और यहाँ पे जो है वो इसका ये सेफ्टी बटन है, तो जब ये लोड हो जाती है तो आप इसको सेफ्टी पे भी कर सकते हैं, आप इसको बटन को प्रेस कर दें तो ये अब इसका ट्रिगर नहीं चल पाएगा और यहाँ से इसका बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो अब जो है इसका ट्रिगर चल पाएगा। मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। जब ये नई नई आई थी तो इसके बॉक्स के अंदर एक पेपर सा था जिस पे टारगेट बना हुआ था जहाँ जिसके ऊपर आप शूटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो मुझसे गुम गया और इसके साथ जो थे वो डार्ट्स भी आए थे, आप इस गन से डार्ट्स भी फायर कर सकते हो। तो अब हम इस पिस्टल से शूट करके देखते हैं। तो अभी मैं ये एयर पिस्टल और पैलेट्स और एक गोल्डन BB बुलेट्स ये चीज़ें मैं ले कर बाहर आ गया हूँ और अभी मैं आपको इसकी शूटिंग दिखाता हूँ। इसको पहले लोड कर लेते हैं। पहले मैं आपको BP बुलेट से शूट करके दिखाता हूँ। इतनी काफ़ी है, अब इसको लोड कर लेते हैं। चलें अब हम शूट करते हैं। अब मैं आपको पैलेट्स की शूटिंग करके दिखाता हूँ। तो हम ये पैलेट निकाल लेते हैं, तो पहले लोड करते हैं। अब हम यहाँ पे इसके पैलेट डालेंगे, ये पैलेट डाल गया, क्लोज कर लेते हैं, ऐसे लोड हो जाएगी।
अब हम शूट करते हैं। दूसरा मार के देखते हैं। तो आज हमने G10 रिपीटर एयर पिस्टल के साथ जो है वो शूटिंग की है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो टारगेट पेज बनाया हुआ था उस पर मैंने कहाँ कहाँ शूट किया। तो ये जो है ये मेरा टारगेट का बोर्ड लगाया हुआ रखा था, तो इसको आप देख सकते हैं कि दो छरे जो आके लगे हैं वो यहाँ 7 के राउंड में लगे, और उसके अलावा दो जो लगे हैं वो इस टारगेट से ही बाहर लगे। ये जो दो थे ये बीपी पुलेट्स के थे, ये पहले मैंने फायर किए थे, और ये जो दो हैं पैलेट्स के थे जो इस पे आके लगे। क्योंकि गन भी काफ़ी पुरानी है इस वजह से जो उसका टारगेट है वो ख़राब है, वो उससे सही तरीके से टारगेट नहीं होता, इसी वजह से हम 10 पर हिट नहीं कर सके, पर फिर भी 10 के करीब ही थे तो नॉट बैड। तो दोस्तों आज की वीडियो जो थी वो G10 रिपीटर एयर पिस्टल के बारे में थी, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और क्या आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोज़ का फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी और अच्छे टॉपिक से वीडियो बनाएंगे, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।